आज हमारे मंच पे जो कलाकार आ रहे हैं, हैं। इनका हमें बहुत 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 अरसे से से इंतजार था और ये ऐसे हीरो बाजी, हाँ। जिनको साल से लेके के हीरोइन, सब प्यार करती बहुत ही बहुत ही बहुत ही चॉकलेटी, हैंडसम, टैलेंटेड, कपूर खानदान चिराग। सर आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है

के मिठाई पहले आती है और बाद में खुद आते ठोको हर दिल को जीत ले ये वो सिकंदर है कुछ ऐसी बात इस खानदान के अंदर है पंछी तो बहुत हैं लेकिन आसमान से बातें बाज करते हैं ऋषि सर आप जैसे कुछ खास लोग अखे जमाने के दिलों पर राज करते हैं क्या बात है थैंक यू ऋषि स्वागत है में पाजी, दो साल से हम लोग साल हो गए कबूढ़ सर, सर आपने मौका ही नहीं दिया मुझे। तो मैं हाजिर ही हूँ आप नहीं देते एक के बाद एक एक, के बाद, एक फिल्में आपकी आती जाती मौका है ना आपने कभी बुलाया नहीं मैं कभी आया नहीं बहुत बहुत स्वागत है सर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए सर बहुत साल पहले मेरा नाम जोकर जब फिल्म देखी थी ऋषि सर आप तुम तो पैदा हुए थे <laughs> सर आई वॉज अबाउट टू बॉर्न एक्चुअली तैयारी चल रही थी <laughs> पर जब हमने वो फिल्म देखी मुझे आज यही लग रहा है कि मेरा नाम जोकर में जो बच्चा था एक्चुअली वही बच्चा आज सूट पहन के बैठा ऋषि सर आपके फेस में आपका प्यारा इतना फेस है सर बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आई मेरे ख्याल से इसीलिए लड़कियां आज भी आप पे मरती हैं और बड़ी सारी आज ऋषि सर होश संभालने से पहले एक्चुअली फिल्मों में आ गए थे राज कपूर साहब और नरगिस जी का एक गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ जी हाँ सर उसमें आपका पहला पेरेंट था शायद बड़े जी हाँ जी हाँ तो सर जब आपने होश संभाला तब आपको लगा कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ या कुछ और बनना चाहते थे आप <laughs> <laughs> ऐसा है कि मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता जी मैं तो खैर दो साल का था कि राज कपूर साहब चाहते थे कि वो वो एक दृश्य में तीन बच्चे रेनकोट पहने हुए जी एक एक लेफ्ट से राइट

<laughs> <laughs> अच्छा ऋषि सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपको राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर के लिए कास्ट किया तो आपने फटाफट कमरे में जाकर ऑटोग्राफ करने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी जी हाँ जी बिल्कुल सच ये सच्ची बात है बिल्कुल सच है मतलब आपको पता था कि मैं स्टार बनने वाला हूँ क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल पे हम खाना खा रहे थे तो कहीं राज कपूर साहब ने मेरी मम्मी से पूछा कि तुम्हें एतराज है कि मैं चिंटू चिंटू मेरा पेटने में Uh, चिंटू को मैं अपनी पिक्चर में लूँ अपने बचपन का रोल करने के लिए तो मम्मी ने यह कहा कि एज लॉन्ग स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो स्कूल में प्रॉब्लम ना हो आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम अच्छा कट उसमें क्या हो रहा है कि बीच में इंटर कट आ है कि मैं बड़े नॉर्मली खाना खा रहा हूँ लेकिन अंदर लड्डू फूट रहे हैं लड्डू फूट रहे हैं कि यार मैं एक्टिंग करने वाला हूँ मेरी उम्र होगी तेरह चौदह साल की जो भी फोर्टीन फिफ्टीन ईयर्स जी और मैंने बड़ा नॉर्मली खाना वाना खाया कि डिस्कशन उनकी चल तो मैंने जैसे कि हाँ यार कर लेंगे किसी के लिए खाना खा के एक्सक्यूज मी बोला हाथ पर तो धोखे में सीधा अपने कमरे गया फटाक से मैंने डेस्क का वो दराज खोली पेपर निकाला ऑटोग्राफ पहले शुरू करना कर दिया <laughs> एक और बात बताता हूँ मुझे शशि अंकल ने बोला था कि जब भी वो बदमाशी करता था तो मुझे जब थप्पड़ मिलता था मम्मी से जी तो मैं जब रोता था छोटा बच्चा जब था मैं रोता रोता जाके शीशे में देखता था मैं कैसे लग रहा हूं रोते <laughs> <laughs> तो मेरे ख्याल में ये जो मेरा माहौल जो था जो एटमोसफियर था वो तो फिल्मों का ही था जी तो ऐसे में आया फिल्मों में अच्छा ऋषि सर बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जब बॉबी फिल्म आई आपकी एज ए हीरो जब आपकी पहली फिल्म आई कुछ लोग कहते हैं आप बीस साल के थे कुछ कहते हैं इक्कीस साल के थे कुछ असल में आपकी एज थी सर उस समय बीस साल का था शूटिंग, शूटिंग जब शूटिंग जब, हो रही थी। जब शूटिंग शुरू हुई तो सर वो बॉबी का कैसे मतलब वो कैसे आया जहन में बॉबी फिल्म कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता थोड़ा शॉर्ट करके बताता नहीं नहीं सर आराम से खुल के बताइए आप अच्छा सारी बातें हमें सब कुछ जानना है सर बड़ी मुश्किल से आता है सर आप आज रात को सोना नहीं किसी ने ना ना सर किसी <laughs> को अच्छा क्या हुआ कि हमारी पिक्चर मेरा नाम जोकर हो गई फ्लॉप तो हमें उसमें बड़ी बड़े नुकसान हुए मेरे फादर ने आर के स्टूडियो को भी मॉडगिज किया हुआ था ऑल सोर्सेज ऑफ मनी वो फिनिश्ड तो कुछ नहीं सोचा कि चलिए यहाँ से फिर एक पिक्चर बनाएंगे और फिल्म का नाम था बॉबी तो बॉबी की खोज थी बॉबी एक्चुअली लड़की का नाम था जी जो खोज में फिर हमें डिम्पल मिली जी अब जब डिम्पल मिली तो घर की मुर्गी दाल बराबर तो मेरा नाम जोकर में काफ़ी तारीफ हुई थी हमारे चैप्टर की जी तो राज कपूर साहब ने थैंक गॉड मुझे सोचा कि मैं इसी को ब्रेक दे देता हूँ साथ में उनको ले लेते ले हैं तो रियलिटी में कपिल ऐसा है कि बॉबी ऐसी पिक्चर मेरे मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं बनी थी अच्छा। बॉबी बनी थी राज कपूर साहब की कन्विक्शन के हिसाब से उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को दे रहा हूं एक चांस पिक्चर में मेरी कोई एंट्री पिक्चर घोड़े में नहीं हुई जो अपने दो टांग में खड़ी होती है या कोई आपकी मोटरसाइकिल में आ रहे होगी आपकी पिक्चर में अभी जो आपकी पिक्चर आ रही तो ऐसी एंट्री तो आपकी होगी हाँ। लेकिन ये हमारी डील हुई है एक दूसरे की प्रमोशन करिए लेकिन हमारी किस्मत वो नहीं थी और आप मानेंगे नहीं सर हमारे पास मतलब के हमारे परिवार के पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी उस वक्त तक राज कपूर ने 21 साल की उम्र में स्टूडियो बनाए फिल्में बनाई सब पैसा गवाया जो कमाया लेकिन अपने बच्चों और बीवी के लिए घर कभी नहीं खरीदा ना बनाया क्या क्या बात है <laughs> वो घर बॉबी के बाद जबरदस्ती पापा के दोस्त ने मम्मी के लिए खरीदवाया क्या लो यार तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए ये भी होगा अब तो अपना घर ले लो so, बॉबी के बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे निजी जीवन में ये बहुत एक बहुत अहम चैप्टर है जी जो मैंने फर्स्ट टाइम किसी एक ऑडियंस को बताया है और वो भी इसी शर्त पे कि मैं इनकी भी तारीफ करूं और ये भी कहूं कि ये भी जैसे <laughs> <इच्छे भी> हैं <laughs> सर बॉबी के बाद फिर आपका क्या मतलब लाइफ में क्या चेंजेस आए आपके क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी 20 साल की उम्र कपिल मैं चार फुट धरती के ऊपर चलता था मैं किसी को समझता ही नहीं था भाई 20 साल की उम्र 21 साल की उम्र में इतने पैसे इतनी शोहरत इतना नाम कहीं जाओ जहां जाओ मैं इतना बड़ा ब्रैड बड़ा बड़ा गलत किस्म का इंसान हो गया था मैं सच अपने मुंह से कह रहा हूं मैं किसी को समझता ही नहीं था मुझे मानो एक डायरेक्टर बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे पिक्चर ऑफर की तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये रोल नहीं चाहिए मुझे वो चाहिए जो नीतू रोल कर रही है उन्होंने तो कहा जी वो तो ये लड़की का रोल है ऐसे उसको चेंज करो मुझे <laughs> <laughs> ज्यादातर कर, <laughs> ज्यादातर ये सब नादानी के किस्से हैं मैं नादान था उसमें कभी ऐसी आई वाज क्या यार 26 साल के उस वक्त का 21 साल तो वाज अ वेरी क्या बोलते हैं अनस्किल्ड अननॉलेजबल अरे सर, आज का आज, आज के बच्चे तो 16 17 साल में सब जानते हैं अरे सर वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी जब जोश ही नहीं किस काम की है जवानी <laughs> <laughs> <आगे शारा>। <laughs> <आगे>। <laughs> ये पाजी पाजी के एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। बड़े रहे हैं और बड़े शरारती पर पाजी एक चीज़ तो है हाँ। 20 21 साल की उम्र में आप इतने बड़े स्टार बन जाओ सर आपने नीतू जी का जिक्र किया तो उनसे मुलाकात पहले कब हुई थी हालांकि उसी कि... फिल्म में जिससे मैं ट्रेड नहीं मेरी खेल मुलाका... खेल में मेरी मुलाकात सही बात जहरीला इंसान के सेट पे हुई थी और उस वक्त हम क्या हुआ कि जब मैं स्टार बन गया एक और चीज आपको समझाता हूं बताता जी ये मैं उन लोगों से शेयर कर रहा हूं जो एक्टर बनने का सोच रहे हों या कभी चाहते हो कि बने मुझे नहीं लगता कि किसी एक्टर को 24-25 साल से पहले बनना चाहिए पहले तो अब किसा मेरे साथ ही हुआ है कि मैं 21 साल का था मैं स्टार बन गया <laughs> अब जब स्टार बना तो मेरे पास कोई हीरोइन के साथ काम करने का था कोई थी नहीं

कि <laughs> नेसेसिटी के भाई नई लड़कियां ये नहीं कि मैं चाह रहा था कि नई लड़कियां लो अरे वो जबरदस्ती मुझे लेना पड़ता था कि मेरे पास कोई स्टार ही नहीं था काम करने के लिए <laughs>